नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। रणवीर शौरी एक ऐसे एक्टर जो अपनी एक अलग तरह की एक्टिंग के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। रणवीर शौरी के पास भले ही फिल्में कम हो, लेकिन वो अपनी हर फिल्म में एक जबरदस्त छाप छोड़ते नजर आते हैं। आइए आपको बताते हैं रणवीर शौरी की कुछ अनसुनी कहानियां। राम गोपाल वर्मा की छोटी सी लव स्टोरी में मनीषा कोइराला के साथ अपना फिल्म करियर शुरू करने वाले अभिनेता रणवीर शौरी अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। हालांकि वो बॉलीवुड में थोड़े संघर्षशील जरूर हैं, पर फिर भी वो अपनी हर फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग करते नजर आते हैं। उनकी फिल्म खोसला का घोसला और मिथ्या बेहतरीन फिल्म साबित हुई थी और इस फिल्म में रणवीर शौरी कमाल की एक्टिंग करते नजर आए थे। रणवीर शौरी ने 2002 में एक छोटी सी लव स्टोरी से फिल्मों में पदार्पण किया था। इसके बाद उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल और भेजा फ्राई जैसी बहुत ही ज्यादा चर्चित फिल्मों में एक्टिंग की, लेकिन इस प्रतिभाशाली अभिनेता का कहना है कि उन्हें अपने को साबित करने के लिए अब भी किसी दमदार भूमिका की ज़रूरत है। उनका कहना था कि 40 की उम्र में भी वो एक संघर्षशील कलाकार हैं। फिल्म जगत में सितारों के बच्चे को आसानी से मौका मिल जाता है, उनके लिए फिल्मों की कोई कमी नहीं होती। यहाँ तक कि स्टार किड्स की दर्जनों से ज़्यादा फिल्में असफल हो जाती हैं, मगर उन्हें निर्माता लगातार काम देते रहते हैं और उनका कहना है कि उनके जैसे कलाकारों को मौका नहीं मिल पाता। उनका कहना था कि मैंने अगली और पगली और मिथ्या जैसी फिल्में की जिसमें मेरी सराहना हुई, लेकिन मुझे अपनी फिल्मों को रिलीज करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुझे अपने को साबित करने के लिए मौके की तलाश है। शौरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी 4 से 5 फिल्में अभी भी रिलीज की राह देख रही हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो उन फिल्मों को कैसे रिलीज करें। रणवीर शौरी एक भारतीय फिल्म अभिनेता वीजे हैं। रणवीर का जन्म 18 अगस्त 1972 को जालंधर पंजाब में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जालंधर के दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल से संपन्न की। फिल्मी दुनिया में रणवीर के करीबी दोस्तों में विनय पाठक और रजत कपूर शामिल हैं। रणवीर के फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में खबर थी कि वो निर्देशक महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट को डेट कर रही हैं, लेकिन उन्होंने सभी अफवाहों पर अटकलें लगाते हुए अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड कोंकणा सेन शर्मा से शादी 3 सितंबर 2010 को अपने गोरेगांव आवास पर कर ली। उनका एक बेटा है राहुल शौरी। हालांकि अब दोनों अलग हो चुके हैं। रणवीर के करियर की फिल्मी शुरुआत साल 2002 में एक छोटी सी लव स्टोरी से हुई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने बतौर अभिनेता उनको पहचान मिली 2007 में मधुर भंडारकर की फिल्म ट्रैफिक सिग्नल से। इसके बाद 2008 में आई उनकी फिल्म मिठिया ने उन्हें बॉलीवुड में एक नई पहचान दिलाई। ये उनकी बतौर लीड एक्टर पहली फिल्म थी जिसके लिए उन्हें हर तरफ से तारीफें मिली। इसके बाद उन्होंने कई मल्टी स्टार फिल्मों में काम किया। रणवीर ने अपने टीवी करियर की शुरुआत 2007 में रियलिटी शो रणवीर विनय और कौन से की थी। ये शो वो अपने करीबी दोस्त विनय पाठक के साथ करते नजर आए थे। ये शो एक सेलिब्रिटी गेस्ट शो था। इसके बाद वो द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो में लोगों को हंसाते नजर आए। साल 2014 में रणवीर खतरों का खिलाड़ी डर का ब्लॉकबस्टर शो में बतौर प्रतिभागी नजर आए। हालांकि वो शो जीते नहीं, लेकिन सेमीफाइनल तक जरूर पहुंचे। साल 2014 में रणवीर शौरी कलर्स के डांस बेस्ड रियलिटी शो झलक दिखला जा 8 को होस्ट करते नजर आए। एक छोटी सी लव स्टोरी, जिस्म लक्ष्य, हरदम, शिवा, प्यार के साइड इफेक्ट्स, खोसला का घोसला, ट्रैफिक सिग्नल, भेजा फ्राई, नो स्मोकिंग, आजा नचले, अगली पगली जैसी जबरदस्त सुपरहिट फिल्मों में रणवीर शौरी नजर आए। रणवीर शौरी मौजूदा दौर में उन चुनिंदा अभिनेताओं में से हैं जो दर्शकों को अपने अभिनय से कभी निराश नहीं करते। हर तरह की भूमिका निभाने में सक्षम रणवीर शौरी फिल्मों के चुनाव को लेकर भी बेहद सजग हैं। वो कहते हैं कि मुझे ऐसी किस्म की फिल्मों में अभिनय करने में ही मजा आता है जो दर्शकों के लिए कुछ नया लेकर आए। मैंने अभी तक जितनी फिल्में की हैं, अगर आप उस पर नजर डालें तो ये पता चल जाएगा कि फिल्मों को लेकर मैं कितना कॉन्शियस रहता हूँ, खास तौर पर फिल्मों के चुनाव को लेकर। छोटी भूमिका हो या केंद्रीय भूमिका, रणवीर का अभिनय उनके सहकलाकारों पर हमेशा ही हावी रहता है। अगली और पगली में हॉट मल्लिका शेरावत की मौजूदगी में सबसे अधिक दर्शकों का ध्यान आकर्षण रणवीर शौरी ने ही किया। रणवीर शौरी हर तरह की भूमिकाओं में ढल जाते हैं, जिस कारण दर्शक अब भी उन्हें किसी भी नई फिल्म में देखते हैं तो उनके नए और निखरे रूप से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। तो ये है रणवीर शौरी की अनसुनी कहानियाँ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।